अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मेरे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का और मेरे वीडियो को लाइक करने का और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके साथ ये स्कैनर है HP स्कैन जेट इंटरप्राइजेस 7500। इसका मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जाता हूँ। मैंने चेक किया वीडियो वैसे यूट्यूब पे कि इसकी कोई वीडियो ओपन करने की, क्लोज करने की या इस तरह की कोई भी शेयर नहीं हुई, जिस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आज आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर करता हूँ। तो इस लिहाज से अभी हम सबसे पहले इस प्रिंटर को ओपन करते हैं।
अच्छा व्यूअर, ये है इसके साइड सारी जो डिसअसेंबलिंग की है मैंने, तो ये इसकी एक डाटा केबल है और ये इसकी बाकी अदर केबल्स हैं। बाज़ का सम टाइम ऐसे प्रिंटरों में ये इशू आता है कि कोई केबल वगैरह उतरी हो या स्कैनिंग आप करते हैं और स्टक हो जाता है, इसका सॉफ्टवेयर स्टक हो जाता है कुछ इस तरह। तो उस तरीके से आप इसका एडियो पे एक दफ़ा ये केबल लाजमी चेक कर लीजिएगा। ये सम टाइम ये केबल ज़रा सी लूज़ हो या एक साइड पे तिरछी लगी हो तो सम टाइम ये होता है कि ये निकल जाती है या बीच में आधी इंटर होती है आधी आउट होती है, जैसे जैसे वो एरर आता है एक ये चीज़। और दूसरी में आप लोगों को इसका जो पेज स्टक करे या पेज फंसाए उसके लिए भी ये इसका ये यूनिट लगा हुआ है, जिसके थ्रू ये देखें ये सप्रेशन पैड लगा हुआ है इसका और ये इसके पिकिंग रोलर है। ये अगर घिस जाएँ तो ये रोलर का सेट भी नया मिलता है तो ये चेंज करने पड़ते हैं। दूसरा ये सप्रेशन पैड है, अगर दो तीन पेज ले रहे चार चार पेज उठाना शुरू कर दे तो सप्रेशन पैड को एक दफ़ा चेक कर लें। अगर ये आपको नया नहीं मिलता तो इसकी ये रबड़ को थोड़ा सा निकाल के इसको थोड़ा सा मूव कर लें। उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका निकालने का भी, ये इसको प्रेस करके आप इसको ये निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी ये रबड़ लगी है, इसको आप टेढ़ा करके थोड़े से आगे करके भी लगा सकते हैं इसको इसी तरीके से। ये नीचे स्प्रिंग इसका लगे हुए सपोर्ट के लिए, और दूसरे इसके ये रोलर लगे हुए हैं, ये देखें ये रोलर्स लगे हुए हैं। इन रोलर्स का भी अगर इश्यू हो कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। इस रोलर को भी निकालने के लिए ये सिंपली बिल्कुल इजी तरीके से ये निकल आते हैं। इसको वापस लगाने के लिए यही तरीके से ये लग के ये लॉक लग जाएंगे। और दूसरा ये रहा स्कैनिंग यूनिट, लाइनिंग आ रही हो या कुछ इस तरह का इशू आ रहा हो तो उसके लिए ये आपकी जो स्कैनिंग यूनिट का ये डाटा केबल चल रही है इसमें भी प्रॉब्लम हो या ये डैमेज हो जाए या कुछ इस तरह का इशू हो जिस वजह से वो लैंप वगैरह या वो स्कैनिंग में आपकी लाइनिंग आएगी ब्लैक एंड वाइट आएगा डिफरेंट किस्म की लाइनिंग आएगी, ये है। और साइज का फॉर्मेटर कार्ड ये नीचे लगा होता है, ये स्क्रू साथ लगे हैं, इसको खोल के आप ये फॉर्मेटर कार्ड भी इसका अलग कर सकते हैं। फॉर्मेटर कार्ड में अगर कोई इशू आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपको बताने का ये था कि इसको कैसे डिसअसेंबलिंग किया जाता है और इसकी बाकी चीज़ें जो ज़रूरी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। तो अभी इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और इसके अलावा अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन ये कि मेरा यही वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था कि आप लोगों के साथ ये शेयर कर सकूँ कि स्कैनर को कैसे आप इसको ओपन करेंगे या खोलेंगे और कैसे इसको डिसअसेंबलिंग करके आपने जो भी चीज़ रिप्लेस करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, मेरी वीडियो को लाइक करने का, मेरे चैनल को सपोर्ट करने का और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।